नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। राज दाइमा गोट फार्म पे हम आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा फार्म बनाया हुआ है, यहीं पे है और फार्म भी यहीं पे है और फार्म भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम है रामराज दाइमा। रामराज, फार्म में पहले भी आपका देखने आया था? हाँ जी, उस टाइम काम चल रहा था फार्म का। हाँ, तो अभी है आपके पास? अभी है, कोटा नस्ल के बकरे हैं अपने पास। तो दिखाएंगे सर जी हमारे? जी बिल्कुल आइए। इस फील्ड में आने का क्या है सर जी आपको? पहले पापा करते थे और भैया करते थे, इसके बाद अब मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, पहले एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अब मैंने स्टार्ट किया है। तो आपका ट्रेडिंग का काम है कि क्या, क्या नहीं? ट्रेडिंग का काम है और सिरोही का जो बकरा आता है उसको तो फार्म के लिए अवेलेबल रहता है, सिरोही वाला तो हमेशा के लिए। अच्छा। वो कुर्बानी के लिए करते हैं उसका। अच्छा हाँ, तो यार आपने तो फार्म पे भी काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये क्या पर्पज़ है आपका? ये है कि कुर्बानी वाला जो माल इकट्ठा करे और जो बकरा अलग अलग वेराइटी का लाए उसको अलग अलग डाल सके, इसके लिए। ठीक है, तो सर जी रेट जो बताइए आपने क्या है इसकी? इसकी रेट है 250 रुपये पर केजी से। 250 रुपये? 250 रुपये पर केजी। तो नग के हिसाब से भी देते हैं सर? नग के हिसाब से लेना चाहते हो तो नग के हिसाब से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हाइट का है, अच्छी लेंथ का है, उसके हिसाब से मिलेगा। ब्लड लाइन पर डिपेंड करता है। और ये अगर कटिंग का माल किसी को चाहिए तो वो क्या रेट में? कटिंग का माल किसी को चाहिए तो 225 रुपये पर केजी में मिल जाएगा कटिंग का माल। 225 में मिल जाएगा? 225 में। टोल वगैरह का कैसा होता है सर जी अपने? टोल वगैरह में अगर कांटे पे करवाना चाहते हो तो कांटे पे हो जाएगा, और अगर एक एक बकरे का करवाना चाहते हो तो एक एक बकरे का भी कर देंगे। इसमें कोई इशू नहीं रहता ना? कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी कराओ, अगली पार्टी पे डिपेंड करता है। अगर वो खुद का काटा लेके आना चाहते हैं उधर से तो उस पे भी हम टोल करवा सकते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल। गाड़ी का क्या रहता है सर जी आपको? गाड़ी का जैसे बड़ी गाड़ी ज्यादा लोड है तो बड़ी गाड़ी का हो जाएगा, अगर छोटा लोड है तो पिकअप बोलेरो जाएगी। अच्छा, तो कम से कम कितना ले पार्टी की, मतलब उसको किराया बड़ा भी ज्यादा नहीं पड़े? और कम से कम 60 पीस तो होने चाहिए उसके पास। 60 पीस तो होने चाहिए ना? हाँ। और आप मतलब आपके पास अवेलेबल रहता है कि हमेशा? अवेलेबल तो जैसे डिमांड होती है पार्टी की उसके हिसाब से अवेलेबल रहता है, हमेशा रहता है वो तो। अच्छा, जो ब्रीडर वगैरह है वो फीमेल है वो सारी रहेगी? फीमेल और ब्रीडर तो नग के हिसाब से मिलते हैं, जैसे मेन ब्रीडर है बकरी का वो नग के हिसाब से मिलता है, उनका कोई तोल वोल फिक्स नहीं है। अच्छा, कान इतने लंबे होते हैं, डबल फोल्डेड कान दोनों करना सर जी? ये कान देखो काफ़ी अच्छे हैं, प्योर जो होता है उसके कान इतने लंबे आते हैं और फोल्डेड होते हैं। हाँ, इतने लंबे होते हैं, यही पहचान है। सींग धीरे धीरे घूमने लग जाते हैं, जैसे बड़े होते हैं अपने आप घूमने लग जाते हैं, सर्किल अपने आप घूमने लग जाते हैं, और ये कान पे भी लाइनिंग होती है और इतने लंबे कान होते हैं इनके। मतलब ये प्योर जो कोटा है उसकी पहचान है? ये प्योर कोटा की यही पहचान है। इसके अलावा व्हाइट लाइनिंग में भी ये दिखाता हूँ आपको, देखो व्हाइट लाइनिंग में भी ऐसी होती है। अच्छा, व्हाइट लाइनिंग में आ जाते हैं? बिल्कुल व्हाइट लाइनिंग में होते हैं, एकदम ब्राउन कलर में भी होता है, मिक्स कलर में भी होता है कोटा। बकरी का कोटा से कराया हुआ क्रॉस है, ये आ गया कान इसके कोटा के आ गए, कलर आधा कोटा का मिल रहा है इसमें। इसका सींग जो है वो इससे पहचान कर सकते हैं? इससे पहचान सकते हैं, सुबह का बकरा है ये, देखो सींग से पता चल जाएगा ये मिक्स में इनके पैरों पे भी यही लाइनिंग होती है, कान बड़े होते हैं फोल्डेड। अच्छा, पैर पे ये लाइनिंग आएगी, ब्राउन में भी होगा तो इसके ये लाइनिंग आएगी, व्हाइट में होगा तो ऐसे लाइनिंग आएगी एकदम। अच्छा, पैरों पे? पैरों पे भी लाइनिंग आएगी और पीछे पूंछ के पीछे ऐसा ब्राउन कलर में, ऐसा कलर में ये टोटल दिखेगा आपको। ये तो यार आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हाँ। और कितना टाइम हो गया सर जी आपको? मेरे को ये करते हुए हो गया 4 साल आज। 4 साल हो गए? हाँ। ना अच्छा, तो एजुकेशन सर जी कहाँ से करी आपने? मैंने एजुकेशन अभी MDS से की है। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएट कर ली? ग्रेजुएट कर चुका हूँ मैं। अब ये और कर रहे हो आप? नहीं, MA ग्रेजुएट कर चुका हूँ मैं। सर जी कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपके? मेरे हैं 9784687491। और क्या नाम से है फार्म? ये राजदाई में गोट फार्म से नाम से।